हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष सिंगर आ गया हूँ कौन नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप विंडोज के लैपटॉप से मैकबुक में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या चीज सीखना पड़ेगा ताकि आप बेसिक काम कर सको। तो जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैकOS फंडामेंटल नॉलेज फॉर बिगिनर्स। जैसे आप लैपटॉप ऑन करोगे तो आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। अब स्क्रीन, इसको हम डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं। अगर बात करें नीचे की ये आइकन्स की, तो इस आइकन्स को लोग बोलते हैं डॉक, जो कि एक्चुअली शॉर्टकट्स हैं एप्लीकेशंस के। तो जैसे आप शॉर्टकट्स पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और जैसे एप्लीकेशन ओपन होता है आप देखोगे कि जो चीज़ें राइट टॉप में हुआ करती थी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन, वो मैक में लेफ्ट साइड में होती है। फर्स्ट वन इज़ द क्लोज, नेक्स्ट वन इज़ द मिनिमाइज एंड थर्ड वन इज़ द मैक्सिमाइज। इसमें तीन अलग अलग ऑप्शन है, इंटर फुल स्क्रीन, टाइल विंडोज टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, टाइल विंडोज टू राइट ऑफ द स्क्रीन। तो ये पहला चेंज आपको दिखेगा। अब बात करते हैं अगले चेंज की। तो ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है, ये एक यूनिवर्सल मेन्यू बार है। इसमें आपको सारे एप्लीकेशंस के ऑप्शंस दिखेंगे, कौन सा एप्लीकेशन ओपन है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे क्रोम एप्लीकेशन ओपन, तो क्रोम लिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन है और किसका ये मेन्यू बार है। अब बात करते हैं अगले, ये देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई है, और नेक्स्ट यहाँ कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरपोर्ट, वो सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ब्राइटनेस और साउंड का ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे आपको। और नेक्स्ट है यहाँ पे आपको विजेट्स दिखेंगे, आप विजेट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मींस जो आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा अपीयर होना चाहिए आपके स्क्रीन पे, एडिट विजेट्स के थ्रू आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप अगर लैपटॉप को शट डाउन करता है, उसके लिए आपको एप्पल के लोगो पे आपको क्लिक करना है, और उसके अंदर आपको शट डाउन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप शट डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये अपीयर हो जाएगा। आप जैसे शट डाउन के बटन पे क्लिक करोगे लैपटॉप आपका शट डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैक पैड सेटिंग की। तो एप्पल का ट्रैक पैड एग्जाम्पल से एप्पल क्रोम में न्यूज़ खोल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। अभी मैं फिंगर्स को ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहा हूँ ट्रैक पैड में, तब देख सकते हो स्क्रीन में वो नीचे से ऊपर की ओर स्क्रीन जा रही है, और अगर मैं फिंगर्स को नीचे से ऊपर के लिए जाता हूँ तो स्क्रीन ऊपर से नीचे जा रही है, जबकि विंडोज़ में उल्टा काम करता है। अभी इसको ठीक करने के लिए मुझे एप्पल के लोगो पे क्लिक करना है, उसके बाद सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है, और वहाँ पे ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड पर क्लिक करना है। ट्रैकपैड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो स्क्रॉल एंड जूम करके लिखा हुआ है, और स्क्रॉल डायरेक्शन नेचुरल लिखा हुआ है। तो नेचुरल मतलब कि देखिए आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो इजीली कि क्या कहना चाह रहा है। स्क्रीन को पकड़ा और जैसे जैसा आपका हाथ का मूवमेंट है वैसा स्क्रीन का मूवमेंट हो रहा है। अगर इसको आपको उल्टा करना है तो ये क्लिक को जस्ट हटा देना है। तो जैसे आप विंडोज़ में यूज़ करते थे उसको आप वैसे ही यूज़ कर पाओगे। फिर जूम इन आउट, स्मार्ट जूम, रोटेट, ये सब चीज़ आप देख के इसके अंदर आप सीख सकते हैं। अभी याद करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्लिक के सेटिंग की। तो पहला है लुकअप एंड डेटा डिटेक्टर्स। इसके लिए कभी भी आपको कोई भी इमेज के अंदर में अगर कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में जानना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फोर्स क्लिक विथ वन फिंगर या टैप विथ थ्री फिंगर, जो ऑप्शन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सेकेंडरी क्लिक की बात करें तो सेकेंडरी क्लिक के अंदर भी तीन ऑप्शन हैं, सेकेंडरी क्लिक नथिंग बट द राइट क्लिक। तो क्लिक और टैप विथ टू फिंगर्स, या तो क्लिक करो या टैप करो टू फिंगर्स से। क्लिक इन बॉटम राइट कॉर्नर, जो कि नॉर्मली हम विंडोज़ में करते हैं, और क्लिक इन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो जो भी आपको सेटिंग अच्छा लगता है आप उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। आप राइट कॉर्नर में करना चाहते हो राइट कॉर्नर करो। आपको यहाँ पर सब कुछ दिखते हुए भी दिखेगा कि करना क्या चाह रहा है, सारा स्क्रीन पर दिखेगा। अभी टैप टू क्लिक, आप कोई भी चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्लिक करना चाहते हो या सिर्फ टैप करना चाहते हो, तो यहाँ पर टैप विथ वन फिंगर लिखा हुआ है। जस्ट मैं इस पर हटा दूंगा तो इसका मतलब ये टैप नहीं, मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, मतलब टैप करने से काम हो जाएगा।
क्लिक जैसा काम करेगा, ठीक है। अब और भी गेस्चर्स हैं, आप उसको एक एक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस ऑफ एप्लीकेशंस एंड फोल्डर्स। तो उसके लिए आपको पहले लॉन्च पैड पर जाना है, जो भी एप्लीकेशन आपको डॉक में ऐड करना है क्विक एक्सेस करने के लिए, तो आपको सिंगली उस पर क्लिक करना है और ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है कोई भी जगह पे। अभी देखो, ड्रॉप करते ही वो एप्लीकेशन आपके डॉक में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डॉक में कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। अभी आप इसमें से कुछ एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं होंगे, उसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपको टू फिंगर टैप या राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम डॉक करना है और वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि दिस पीसी या माई कंप्यूटर किधर है, कहाँ पे मैं अपने फाइल्स को स्टोर करूँगा, तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे तो नहीं दिखेंगे। आपको जाना ऊपर में गो के अंदर, जैसे गो के अंदर जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स ये सब दिखेंगे। ये कंप्यूटर इज नथिंग बट योर माई कंप्यूटर, तो आप इसको खोल सकते हो क्लिक करके। जैसे आपने खोला, ये जो है ये माई कंप्यूटर है जहाँ पे आपके सारे डिस्क स्पेस हैं। अब ये चार फोल्डर्स बाई डिफ़ॉल्ट हैं, इसके अंदर आप कोई नया फोल्डर बना नहीं सकते। ये एप्लीकेशन से, ये लाइब्रेरी इनिशियली जो आप फाइल वगैरह सेव होते हैं वो सब इधर होते हैं, सिस्टम फाइल से इधर सेव होंगे। यूजर्स में जिस यूजर से आप लॉग इन करो तो उसके सारा डेटा यहाँ पे रहेगा। तो जैसे मैंने इसको खोल लिया, अभी आप इसके अंदर ही फोल्डर्स बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें फोल्डर्स बनाओ, क्योंकि आपके अंदर में न्यू फोल्डर का ऑप्शन आने लगा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप यूजर्स के अंदर ही फोल्डर बनाओ। अब इधर जाओगे आप तो आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट ये सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। तो आपके फाइल्स क्या हो सकते हैं, या तो आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या कोई वीडियो हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है। तो आपको अर्ली इजीली एक्सेस करने के लिए क्या करना है, ये सारे को फेवरेट्स में डाल देना आपको। अभी देखो आप ये फेवरेट्स में है, तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ फेवरेट्स में एयर ऑफिस, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा सकते हो राइट क्लिक करने का यहाँ पे और रिमूव फ्रॉम साइड बार। फिर ये तो रिसेंट रहेगा ही। अभी आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स हो गए। अभी आपको मुझे मूवीज़ रखने हैं, तो मूवीज़ को साइड बार में ऐड करने के लिए आपको उस पर टैप करना है, फिर उसको ड्रैग करके जिस स्पेस पे डालना है उसको ड्रॉप कर दो, वो आपको साइड बार में ऐड हो जाएगा। वैसे म्यूजिक को आपको ऐड करना है, वैसे ड्रैग करके ड्रॉप करो। पिक्चर्स को आपको ऐड करना है तो वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, आपके साइड बार में ऐड हो गए। और जब भी आप चाहोगे उधर से आप क्लिक करके इमिडिएटली खोल सकते हो। अभी आते हैं कि मुझे ये डेस्कटॉप पे जाना चाहिए, डायरेक्ट मुझे यहाँ पे जाना है, मैं माई कंप्यूटर में नहीं जाऊँगा, फिर वो फोल्डर नहीं खोलूँगा, या यहीं पर डायरेक्ट जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये इसको मैं सिंगल फिंगर से क्लिक करके ड्रैग करके डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ, और आपको उसको डेस्कटॉप के जो एक लाइन दिख रही है, लाइन के बाजू में आपको छोड़ना है, और जैसे आप उसको छोड़ोगे वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कि आप उसको ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें टू फिंगर टैप करने पे आपको ऑप्शन जो दिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर में फैन सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप फैन सेलेक्ट करोगे तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा और आपको ये फैन व्यू दिखेगा। आप जिस फोल्डर पर क्लिक करोगे वो फोल्डर के अंदर एंटर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी फोल्डर का क्विक एक्सेस कर सकते हो, जो भी फाइल सेव करनी है आसानी से इसमें सेव कर पाओगे। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। आप देखोगे कि विंडोज के अंदर जो कंट्रोल की होती है इसमें एब्सेंट है, इसमें कोई कंट्रोल की नहीं है, लेकिन उसी कंट्रोल की जगह पे यहाँ पे कमांड की है। तो जो शॉर्टकट्स कंट्रोल के साथ यूज होते थे विंडोज में, यहाँ पे वही शॉर्टकट्स कमांड के साथ यूज होंगे। जैसे कमांड सी कॉपी के लिए यूज होता है, कमांड बी पेस्ट के लिए यूज होता है, कमांड एक्स कट के लिए यूज होता है। लेकिन कमांड एक्स अगर आप कोई फाइल को कट करके दूसरे जगह पर पेस्ट करना चाहते हो, यानी मूव करना चाहते हो, तो कमांड एक्स काम नहीं करता। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कमांड सी से आपको कॉपी करना है और कमांड ऑप्शन बी से पेस्ट करना है। अगर आप ऑप्शन की सेलेक्ट करते हैं कमांड के साथ तो फाइल मूव हो जाएगी, और ऑप्शन की सेलेक्ट नहीं करते, सिर्फ कमांड वी सेलेक्ट करते हैं तो फाइल
कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी। और भी और शॉर्टकट्स आप देख सकते हो, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सारे शॉर्टकट्स चेक कर सकते हो और एक एक करके ट्राई कर सकते हो। मान लो कि आपने अपना पेन ड्राइव डाला या हार्ड डिस्क डाला, उसके अंदर कुछ हिडन फाइल्स है, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं। जैसे आप कनेक्ट करोगे इसके साथ तो कोई दिखेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, कमांड शिफ्ट जो डॉट की वो प्रेस करोगे तो हिडन फाइल अनहाइड हो जाएगा, दिखने लगेगा। और फिर बाद में फिर आपको हाइड करना है तो सेम चीज़ को आप प्रेस करोगे तो फिर से वो हिडन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हिडन फाइल भी देख पाओगे। तो इस वीडियो में यहीं तक।